अन्नू ने संगीत की शिक्षा अपने पिता सरदार मलिक से प्राप्त की। वे स्वयं एक संगीत निर्देशक थे। म्यूजिकल ब्लॉकमास्टर बाजीगर से सफलता का स्वाद चखने के लिए उन्हें अपने डेब्यू के लगभग 16 साल तक इंतजार करना पड़ा। फिल्म आवारगी में गुलाम अली का गाना उन्होंने ही बनाया था, लेकिन इस गाने को फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन ने रिकॉर्ड किया था। 2010 में इन्होंने इंडियन आइडल छोड़ दिया, क्योंकि गायिका सुनिधि की प्रति एपिसोड 5 लाख की तुलना में 7.5 लाख का भुगतान किया जा रहा था। उन्होंने गैंग के घातक जैसी फिल्मों में आरडी बर्मन की मृत्यु के बाद उनका लंबी संगीत तैयार किया। उनमें लगभग 20 मिनट में एक सपोर्ट गीत लिखने की अद्भुत क्षमता है। उनकी बेटी अनमोल ने फिल्म अगली और पगली का टल्ली गाना गाया है। उन्होंने फिल्म रिफ्यूज में अपने संगीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। अन्नू ने 350 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। 2019 में इंडियन आइडल 11 में जज के रूप में बहाल होने के बाद अन्नू मलिक को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। गायक ने बाद में मीटू के आरोप से अपना नाम हटाने के लिए 2 से 3 सप्ताह का ब्रेक लिया, जो गायकों द्वारा उन पर लगाए गए थे, जैसे श्वेता पंडित, सोना महापात्रा और नेहा बसीन आदि शामिल है।